फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। यूपी के मेरठ में दो युवतियों के शव बरामद होने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने युवती के एक प्रेमी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों ही युवतियों को बहला फुसला कर नोएडा से यहां लाया गया था। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर गोली मारकर ये हत्या की गई। मारी गई युवतियों की शिनाख्त अफसाना व सीमापुर दिल्ली निवासी हिना के रूप में हुई है। अफसाना ग्राम बद्रुद्दीन नगर नानू सरधना की रहने वाली है। इनकी हत्या के आरोप में गौरव पुत्र छिद्दा ग्राम नानू थाना सरधना मेरठ व आकाश शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र शर्मा निवासी डाबका कंकड़खेड़ा मेरठ है। दोनों का ही पूर्व में आपराधिक इतिहास है। दरअसल गौरव व अफसाना के बीच प्रेम प्रसंग था, इसके चलते वह आर्थिक तंगी में भी आ गया था। इस बीच अफसाना ने बेरुखी दुखाते हुए एक बार उसे थाने में भिजवा दिया था। आकाश को लगता था कि उसने इतना सब अफसाना के लिए किया भी और अब थाने पहुंचकर उसे खासी जलालत का सामना करना पड़ा। इससे नाराज होकर ही उसने अपने साथी आकाश से मिलकर अफसाना व बाद में सबूत ही खत्म करने के इरादे से हिना को भी मौत के घाट उतार दिया। 13 अगस्त को दोनों के ही शव ग्राम नानू के नाले से बरामद हो गए थे। हत्याकांड का खुलासा करते हुए मेरठ पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने यह जानकारी दी। देखिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, सर्विलांस और जो हमारी क्राइम ब्रांच है, थाने के लोग भी लगे हुए थे और इसमें सोशल मीडिया का हम लोगों ने सहारा लिया। बॉडी देख के भी लग रहा था कि कहीं आसपास दिल्ली या नोएडा का हो सकता है, तो हम लोगों ने दिल्ली नोएडा में कई ग्रुप पुलिस के वहाँ भेजे गए। वहाँ से शक जाहिर हुआ, एक व्यक्ति ने शक जाहिर किया कि वो जान रहा है। जब पूरी बातचीत की गई तो उसने बताया कि हाँ, मिसिंग थी लड़कियाँ 10 तारीख से। फिर उन्होंने गुमशुदगी भी लिखाई फेस 3 थाने में नोएडा में, और उसके बाद स्पेशली जो पहचानने की कार्रवाई थी हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू किया और बहुत लग के इसमें किया गया, मतलब एक अभियान के तौर पे कि 2-3 घंटे में, क्योंकि ऐसा होता है जहाँ 5-6 दिन बीत जाते हैं फिर पहचान होने में दिक्कत आती है, तो इससे ज़रूर पहचान हो पाई। और जब पहचान हो गई तो लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो CDR होता है, इन सबसे बाकी चीज़ों से उन्होंने हम लोगों ने डेटा रिकवर किए, और तमाम साइट्स होती है फेसबुक और इन सबको लोग यूज़ करते हैं, उससे हम पता कर लिए हम लोगों ने कि कौन इनके नज़दीकी लोग थे। जब उनको पकड़ा गया, इंट्रोगेशन हुआ और भी साक्ष्य जुटाए गए तो इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आया, उनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रेम संबंध थे, लेकिन अभी हाल में इन लोगों के बीच कुछ मनमुटाव भी चलने लगा था। इसका कहना है कि काफ़ी पैसे का कर्जदार हो गया था, इवन बताया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था, वो भी उसमें भी 2.5-2.5 लाख रुपए कर्जदार हो गया था। और बीच में संबंध में जो खराबी आई उसमें इसको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा, शिकायत हो गई थी, वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। काफ़ी नाराज़ हो गया था कि सारे पैसे ये भी खर्च करता है, किराए पर मकान दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, और उसके बाद उसकी पब्लिकली इतनी बेइज्जती की जा रही है। ये मोटिव था और प्लानिंग करके की। इस टीम को 2000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया गया है, और जितने लोग भी इसमें शामिल थे, बहुत अच्छा काम किया है पूरी टीम ने, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसमें CEO दौराला है जो मुख्य विवेचक के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा सर्विलांस प्रभारी हैं विवेचक, इसमें 2 और लोग हैं, सरधना इंस्पेक्टर भी हैं और 1 वहाँ के SSI, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से पर्चे काटे जाएंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।